हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मामा ब्यूटी एंड केयर। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ थ्री टाइप के मॉइस्चराइजर की जो मेरे पास है, और वो बेस्ट मॉइस्चराइजर है मेरे लिए। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आज कौन कौन सा मॉइस्चराइजर मेरे पास है। सो लेट स्टार्ट। ये रहे मेरे थ्री मॉइस्चराइजर जो समर में मेरे लिए बेस्ट काम करते हैं, और इन्हीं के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये तीनों मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए ही बेस्ट है, और आज मैं ऑयली स्किन के लिए ही मॉइस्चराइजर लेकर आई हूँ, और इसके बारे में आप जान लेते हैं। फर्स्ट मॉइस्चराइजर मेरा है कलर बार का। ये कलर बार का वाटर बॉम मैजिक करके है, इसका मैंने सिंगल रिव्यू भी किया है, और आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये मॉइस्चराइजर थोड़ा सा कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप के टाइम पे आपको ऑयली जो फेस होने लगता है और मेकअप आपका ख़राब होने लगता है, तो आपको लगता होगा कि कोई ऐसा मॉइस्चराइजर मैं लगाऊं जिससे आपके स्किन पे चिपचिप भी ना हो और आपका मेकअप लॉन्ग टाइम तक सेट। सो ये मॉइस्चराइजर उसके लिए है जो आप अच्छा मेकअप करना चाहें, उसके लिए ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है। ये स्किन में आपके इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है कि आप इसको केवल क्विकली 2 मिनट लगेंगे और ये स्किन में जाके हाइड्रेशन बस्ती देता है ये, और स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये 72, और इन्होंने कहा है कि इसमें क्लेम करते हैं कि ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है स्किन में, और ये बेस्ट है हेलोरोनिक एसिड के साथ में ये आता है, इसलिए स्किन के लिए सुटेबल भी है, और नो केमिकल, नो पैराबिन, नो सल्फेट। इसकी नेट वेट क्वांटिटी है 30 ml, और ये है 850 MRP इस पे पड़ी हुई है, लेकिन जब आपको ये ऑफर में मिले 30-20% ऑफ मिले तभी आप परचेज इसको करें, और अच्छे ऑफर आते हैं। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर मेरे पास ये डॉट एंड की का है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको, और ये बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी ये भी जेल वाइज ही है, और ऑयली स्किन के लिए जेल वाले मॉइस्चराइजर अच्छे होते हैं, ऑयली नहीं करते, चिपचिप नहीं करते, और जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं स्किन में। 2-3 सेकेंड में ये स्किन में बिल्कुल बैठ जाता है, और ये भी मेरे कलेक्शन में बेस्ट मॉइस्चराइजर है। मैंने इसको अभी 15 से 20 दिन लगातार इस्तेमाल करके देखा है, कोई पिंपल कोई भी ऐसी स्किन में नहीं देता है, और अच्छा है, ऑयली भी नहीं करता है, और मेकअप के पहले भी आप लगा सकते हैं, और इसको किसी भी टाइम पे आप लगाया जा सकता है। ये प्राइस वाइज थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इसके साथ में कुछ ना कुछ ऑफर लगे ही रहते हैं नायका पे, और ये ऑनलाइन ही आपको मिलेगा। सो गाइस, ये है 745 का, और इसकी नेट वेट मिलता है इसमें 50 ग्राम। सो ये बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए, और ये भी क्लेम करते हैं कि 72 और आपको स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और ये जेल बेस्ट होने के साथ साथ में ये इतना लाइट वेट है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट ब्लूइश कलर का है, और ये तुरंत स्किन में वाटर के जैसे ऑब्जर्व हो जाता है, और इसमें भी इसका नाम भी है वाटर स्किन केयर 75 प्रोबायोटिक्स के साथ में है ये। फ्रेंड्स, ये प्राउडली इंडियन ब्रांड है। और नेक्स्ट मेरा मॉइस्चराइजर है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, जो ये मोस्ट अफोर्डेबल है, और ये सबका चहेता मॉइस्चराइजर है। आप ये अच्छे से अच्छे प्राइस में मिलता है, इसमें ऑफर भी बहुत ही बेस्ट आते हैं, 30% ऑफ 20% ऑफ तो अक्सर ही इसमें ऑफर आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये सुपर लाइट जेल बिल्कुल सेम कंसिस्टेंसी वाला है इसके, और ये मुझको कोई भी अंतर इसमें नहीं लगा है। तीनों का कंपैरिजन अगर आप ये वीडियो समझ रहे हैं तो आप कंपैरिजन में भी देख सकते हैं, केवल प्राइस वाइज ये सारे मॉइस्चराइजर अलग हैं, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी और इनका क्लेम और इनका काम सब एक ही जैसा मुझको लगा। बस केवल प्राइस वाइज ये महंगा और सस्ता है। ये देखिए, इसमें भी ये ब्लू कलर का जेल है, और बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस इसमें आती है,
और ये हाइलोरोनिक एसिड के साथ में आता है मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन को इतना ब्लर स्मूथ कर देता है कि आप मेकअप इस पर अप्लाई करने में बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, और सस्ता भी है और अच्छा भी है, और ये प्राइमर का भी काम करता है। डेली यूज में आप इसको लगा रहे हैं तो इसमें प्राइमर लगाने का भी काम नहीं होता है, अच्छे से अच्छा ग्लो आता है और समर के लिए बहुत अच्छा है। ये एमआरपी वाइज भी बहुत ही अच्छा है, 299 इसकी एमआरपी इसमें पड़ी हुई है, और सेल्फ लाइफ इसकी 3 ईयर है, और ये इसकी नेट वेट क्वांटिटी है 147 ml, जो कि बेस्ट है प्राइस के अकॉर्डिंग, और मुझे ये मॉइस्चराइजर सबसे बेस्ट लगा। लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर मुझे छोटा सा लगा कि ये अगर 72 और इन्होंने कहा है कि इसका हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, तो ये नेक्स्ट डे तक हाइड्रेशन इसमें रहती है, और इसका हाइड्रेशन थोड़ी देर बाद थोड़ा कम हो जाता है, ये अंतर है इसमें। लेकिन कंसिस्टेंसी वाइज और इसके जेल टेक्सचर में सेम है दोनों। सो गाइज, यही था मेरा आज का रिव्यू, और आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर से कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर पसंद आया है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल वामा ब्यूटी एंड केयर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।